नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंजो सिंगराज। पर आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। और गोराबाजार थाना अंतर्गत स्थित स्पोर्ट्स क्लब में देर रात जमकर हंगामा हो गया। दरअसल यहां देर रात बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें शराबखोरी करते हुए देर रात का लाउड म्यूजिक बजाया जा रहा था। जब स्पोर्ट्स क्लब के मैनेजर ने पार्टी खत्म करने की गुजारिश की तो पार्टी संचालक भड़क पड़े और जमकर तोड़फोड़ कर मेन गेट में ताला लगाते हुए मैनेजर और कर्मियों को बंधक बना लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर स्पोर्ट्स क्लब का ताला खुलवाया गया और मैनेजर और कर्मियों को बंधक मुक्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिद्धार्थ बोगुड़ा ने बताया कि स्पोर्ट्स क्लब के मालिक सुधीर दत्त ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि श्रीमती मंजीत चक्कल और उनके परिजनों एक बर्थडे पार्टी स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित की गई थी, जिसमें जमकर शोर शराबा मचाते हुए लाउड म्यूजिक बजाया जा रहा था। इतना ही नहीं, पार्टी में जमकर शराबखोरी कर हंगामा किया जा रहा था। जब मैनेजर और कर्मियों ने विरोध किया तो सभी ने हमला कर जमकर मारपीट की। पेशे से अभी आरोपी वकील बताए जा रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मिला करके मामला ये है कि थाना गोरा बाजार में जो डायल 100 है उसको करीबन 12:30 बजे करीब ये पॉइंट आया था कि इवेंट आया था कि जोर से डीजे बज रहा है स्पोर्ट्स क्लब में, जिस पे कि पहले थाना पुलिस गई, फिर उन्होंने वो बंद कराया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये कहती हैं कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे परमिटेड नहीं रहता। 12:30 बजे एक बार बंद करा के जब पुलिस वापस आई तब पुनः 2 बजे फिर से एक शिकायत आई, जिसपे कि CSP खुद गए, उन्होंने बंद कराया, फिर से ये प्रॉब्लम जो आगे सॉल्व नहीं है। और फिर से जो जब स्पोर्ट्स क्लब में जो आरोपी गण थे जो डीजे बजा रहे थे वो फिर उसको जाने लगे। तदुपरांत जो स्पोर्ट्स क्लब के जो मैनेजर हैं और स्पोर्ट्स क्लब के जो पदाधिकारी हैं, फिर उन्होंने पुलिस को शिकायत करी कि उन्होंने उनको कंस्ट्रेन कर दिया है और जो परिसर पे कब्जा करने का प्रयास करते हुए तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स क्लब के अधिकारियों पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर थाना गोरा बाजार में 427, 323, 294, 506 और गुलाहन अधिनियम के तहत जो है मुकदमा इसमें कायम हुआ है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। ये कितने लोगों के खिलाफ हुआ है कम से कम? इसमें 3 से 4 लोग हैं इनके वकील। ये वो वकील हैं सुनने में आया, अब ये कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के इसमें 3 से 4 लोगों के विरुद्ध जो है मुकदमा कायम।